एक रात मैं अपनी क्लास के बच्चों के एग्जाम पेपर चेक कर रही थी। मेरे पति भी मेरे पास ही बैठे थे, वो फोन में गेम खेल रहे थे। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बताया कि एग्जाम में मैंने माय विश मेरी चाह विषय पर ऐसे लिखने दिया था। मेरे पति ने गेम में आंखें गड़ाए हुए पूछा, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ एक बच्चे ने क्या लिखा है। मेरे पेरेंट्स अपने मोबाइल फोन से बहुत प्यार करते हैं, वो इसकी इतनी केयर करते हैं कि मेरी देखभाल करना भूल जाते हैं। जब मेरे पापा शाम को थके हारे काम से घर लौटते हैं, तो उस समय उनके पास मोबाइल फोन के लिए समय होता है, मेरे लिए नहीं। जब मेरे पेरेंट्स काम में बहुत व्यस्त होते हैं और उनका मोबाइल बजता है, तो वे तुरंत उसका जवाब देते हैं, पर मेरी बातों पर नहीं। वे अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, पर मेरे साथ नहीं। जब वे फोन पर किसी से बातें कर रहे हों, तो वो मेरी बात कभी नहीं सुनते, चाहे मेरी बात कितनी भी जरूरी हो। इसलिए माय विश मेरी चाह है कि मैं मोबाइल फोन बनूं। यह सब सुनकर मेरी पति की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? मैंने बताया, यह हमारी अपनी ही बेटी ने लिखा है। हमें सांसारिक वस्तुओं के लिए अपने परिवार को नहीं खोना चाहिए, चाहे वे मोबाइल हो या जमीन। मोबाइल फोन हमारे जीवन को एक सुविधा देने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाइए। वो समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल गेम नहीं थे। कुछ समय के लिए अपने फोन को साइड में रखिए। अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, दोस्तों से बात कीजिए। अपने बच्चों और समाज की नजर में एक सकारात्मक उदाहरण बने, नकारात्मक नहीं। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। बात अच्छी लगी तो हर माता पिता के मोबाइल में यह मैसेज पहुंचा दीजिए। थैंक यू।